विस्थापन का दर्द वही समझ सकता है जो विस्थापित होकर आज दर दर की ठोकर खा रहा है। यही सवाल ग्राम पिपलुद आवली सेगांव बड़दा रेक्टी मोहिपुरा के विस्थापितों का, जिनको कि अंजर टीन शेड में लाकर रखा गया, जिनका कि 2017 में नर्मदा का पानी भरने से उनका मकान डूब गया, उसके बाद उनको अस्थायी टीन शेड बताकर अंजर टीन शेड में लाकर रखा गया, लेकिन अस्थायी टीन शेड को आज स्थायी बना दिया गया है। और वहाँ उनका घर खेत सब कुछ डूबने के बाद सिर्फ उनका टीन शेड ही एक सहारा बन गया जो उनका वहाँ पर रहने की जगह है। लेकिन वहाँ पर भी सरकार किस प्रकार से विस्थापितों के साथ अन्याय कर रही है। वहाँ पानी की सुविधा नहीं है, बिजली बंद कर दी है, और ऊपर से यह कहकर धमकाया जा रहा है कि आपको यहाँ से भी 2-3 महीने बाद हटा देंगे। मैं हमको वहाँ से लाया नर्मदा पास से, तो 3 सेट में पटका, अभी तक कोई पता नहीं, नहीं कोई सरकार देखना आयो, नहीं कोई अपना नेता देख रहा है, नहीं लाइट और नहीं बिजली और नहीं अपना नहीं लेटिंग के साधन है, नहीं पानी को साधन है, नहीं इंदारा में पड़िया बेटा, और अपना का अभी तक कोई देखना का नहीं होता, ना 2 महीना की हम कहीं दीदी के 2 महीने में निकल जाना है यहाँ पे, तो कैसे जाएंगे भाई? तुमने हमको मुआवजा नहीं दिया तो फिर हम जाएंगे कैसे, कहाँ जाएंगे? नहीं तो हमको यहाँ पलायन कर दे, और हमारा जो 5-80 निकलते क्या मिलते, वो हमको आप हमारा मकान यहीं कहीं दे दे तो बहुत अच्छा क्या, नहीं तो फिर हम क्या जहाँ से हमको लाए वहाँ वापस रख, नहीं तो फिर तूने हमारा मुआवजा पूरा दिलाना चाहिए, और हमको तू धमकी दे रहे थे 2 महीने में निकल जाने, तो कैसे निकल जाएंगे? तो नहीं निकलेंगे यहाँ से, भले हमारी लाशें भी खराब हो जाए तो भले हो जाए, पर हम यहाँ से नहीं निकलेंगे। और उसके बाद में हमको ऐसा बोलता है कि क्या कर लोगे तू, तुम निकलोगे नहीं तो मैं तो तेरी पुलिस की फौज ले लेना, हम हमारे 3 शर्ट वाले पूरी ताकत लगा देंगे। लाइट की सुविधा है नहीं, बच्चा हमारा छोटा छोटा अंधेरा में रह रहा था, अंधेरा में रोटी पानी बना, मजदूर से आवा दड़की करने जावा दूर, अंधेरा में 9 बजे रात का हम रोटी बना, अंधेरा में लाइट की सुविधा है नहीं, पानी की सुविधा है नहीं, हमारा नाना नाना बच्चा छे मुआवजा मिले है नहीं, सरकार हमको वहाँ छूटे का नहीं, पटकी दियो 3 साल से अधिकार दी दे हमारा था, हम आज खाली पलायन भले ही टापरिन बने बने जा सका, पर हम आसा नहीं जावा, भले कार चली जावा पर हम आसा नहीं जावा, मुआवजा मिलेगा जब जाओ और खाली करांगा। भैया मेरे को ऐसी बात है, ये पानी भी ये टंकी पूरी खाली है, नहीं नल आ रहा नहीं, वो मशीन भी हेड के पटक दी, तो उसको 3,000 और 200 रुपया उसकी कसई दी, वो मशीन भी वही पड़ी है, और उसके बाद में हम बोलने जाते भाई मशीन चालू कर दो, पानी हमारी व्यवस्था कर दो, तो वो बोलता है कि नहीं हमारे नहीं हो रही मशीन, और तुमको तो मैंने बोल दिया ना पड़े तो पढ़ने दो सड़ने दो, बोले कि मशीन पैसा पूरा निकाल के ले गए, और सब चंदा करके हमने 200 रुपया और पानी की व्यवस्था लगाई, तो पानी वाला भी मना कर दिया, पानी लाए तो गाय बैठ से इधर से, तो वहाँ भी पानी लेने जाते तो लोग बेचारे गरीब लोग हमको भरने देते नहीं, तो नहीं भरने देता पानी। भाई देखो कसा हमारा घर बार कसा था, कसा रहता कि हमको घर से बेघर कर दिया, भूखा टीसा भी मरी, लाइन है नहीं, पानी है नहीं, ये हमारा हालत न का हुई गई, वहाँ जावा इंदौर जाओ बम्बई जाओ दुनिया में ताकत दिया करा, नहीं भूकती से मरिया करा, न हमको कुतरा मांडरा सही फेंक दिया है, नहीं भाई पलाट मिले थे, पर कहीं भी तो देना चाहिए हमारा घर से बेघर कर दिया, सा कि तुम कहिए जा तो हमारा घर आंगना हुई गाडू बेला, कहाँ जाए न रही लिखावा कभी तो कहाँ जाए न रहे, हमारो भले जैसा रहता तैसा नहीं, तुम देव पास ऐसी तो हमारा वहां जा रहता वहां घर बंधार दिए, जैसा बंदेल तो बंधार दिए वहां जाए रवाना, नहीं तुमको देना कोई 5-80 कहीं भी देना कोई, हमको धान पचा धरी आओ, जैसा लाया था तहसीलदार मैडम कलेक्टर सब आया था, सब किसान थे, गांव को सरपंच मंत्री सब किसान थे, तो वह साइन न सरपंच न मैडम न कलेक्टर की साइन गई का कुतरा मंत्रण सही फेंक दिया, ये बात नहीं हाँ ना, अभी नहीं लाइट नहीं पानी नहीं कहीं नहीं, मन को जैसा लाए हो तो मैं धरी हमका धरी ना, नहीं तो हमारी साथ में चलो 3 सीट में हमारी चौकसी करो, हमारे बसाट में करो, न जा रहे चौकसी करो, हम झूठ चर्ची बोला ना, हम काम का सबूत तुमको पूरा दिया, बोली हम कल कहा लगता तो हम बेटा ना घाम में ना ठीक थे ठंड थी ना घाम पड़े फिर कसा रहा यहाँ लाइन नहीं है तो।
क्यों नहीं सरकार उठेगा और क्यों इतना साल से हमका पटकी रखियो, कोई भी जवाब दी थी सरकार हमको, हम भले नर्मदा में हो जाता क्यों नहीं सरकार हमको जब हमारे सामान न पर उन्होंने सरकार ने सामान पटके उठे उठे कन पटकियो। कृपया इस नंबर पर कॉल कर दबा मरे जिससे कि विस्थापितों को लाभ मिल सके। मैं पवन सोलंकी जिला बड़वानी मध्य प्रदेश से इंडिया अनहट के लिए। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें।